हैं टीएस ऑफ बैकोटेनिडियन रूट, यानी द्विबीजपत्रीय पादपों की जड़ें किस प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन से संरचनाएं में देखने को मिलती है, यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं पूरा डायग्राम बेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन इस वीडियो में नहीं रखा है, बिल्कुल डायग्राम बेस अपन एक एक पॉइंट को एक एक बारीकी को समझते हुए पढ़ेंगे कि किस तरह से डायकोटिलेडन रूट मिलती है और उसकी कैसे ग्रोथ होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, एनाटॉमी कैसी होती है, तो वो सारा कुछ आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो अंत तक जरूर बने रहें और बहुत सारे कंप्यूटेशन क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं टीएस ऑफ डायकोटिलेडन रूट। तो डायकोटिलेडन रूट की सबसे अगर मैं आउटर लेयर की बात करूं तो सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एक कोशिकीय परत होती है, इसी को अपन कहते हैं एपिब्लेमा। सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो होती है एपिब्लेमा। तो एपिब्लेमा पर सबसे बाहरी लेयर पर क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे यहां पर क्या पाए जाते हैं, भाई रूट हेयर पाए जाते हैं। इनका सभी का मैं फंक्शंस आपको बताऊंगा किस तरह से रूट हेयर इनमें पाए जाते हैं एपिब्लेमा में। तो ये छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं। एपिब्लेमा में रूट हेयर पाए जाते हैं। इन रूट हेयर का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर उपस्थित जो कैपिलरी वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर ये जड़ों के जाइलम तक लाने का काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर इनका मेन जो फंक्शन है वह पानी को एब्जॉर्ब करना, ताकि क्या है प्लांट्स को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। पानी के साथ साथ एक खनिज लवणों को भी लगातार क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और इनका भी अलग अलग फंक्शंस है। कभी कभार आपने देखा हो मटरकुल के पादपों में इन रूट हेयर्स की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हुक शेप की इनकी स्ट्रक्चर हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे नॉस्टोगे राबिना नॉस्टोगे ठीक है राइज, तो ये क्या करते हैं इनके अंदर एंट्री कर जाते हैं और छोटे छोटे ट्यूमर्स यानी गांठों के रूप में ये निर्मित हो जाते हैं। तो आगे का फंक्शन है उसको आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे आउटर लेयर मैं एक डायग्राम को आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं भाई, एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा पर ही क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं, यानी मूल रोम पाए जाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम और इसको बाह्य जड़, ठीक है। तो बाह्य जड़ यानी एपिब्लेमा, एपिब्लेमा पर ही मूल रोम पाए जाते हैं। अब यहां पर जो नीचे वाली लेयर आती है वो आती है भाई कोर्टेक्स, यानी यहां पर आपके जो डायकोटिलेडन प्लांट है इनमें बीच वाली बहुत सारे इसको चौकोर बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की ये पाई जाती है। तो अपन यहां पर इसको बना लेते हैं, ये चार से पांच लेयर से मिलकर बनी होती है और अलग अलग आकार आकृति इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये जो क्या है, ये वाला भाग है आपका कोर्टेक्स का, इसको कहा जाता है कोर्टेक्स। अब सभी प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिला है कि जो कोर्टेक्स है, ये कोर्टेक्स भी किसी प्लांट में दो टाइप्स की होती है, किसी में थ्री टाइप्स की पाई जाती है। दो टाइप्स की जिनमें होती है उनमें आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स होती है, और किसी प्लांट में ये तीन टाइप्स की पाई जाती है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स के भी टाइप हो जाते हैं, जिसमें जैसे मान के चलो अगर ऊपर वाली जो लेयर है, इस लेयर में क्या हो गया कि कुछ अलग से पदार्थों का अगर जमाव हुआ है या कुछ हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, आउटर कॉर्टेक्स कहेंगे। जैसे मान के चलो ये वाला पोर्शन आउटर कॉर्टेक्स, फिर ये क्या हो जाएगा इनर कॉर्टेक्स। तो यहां पर कॉर्टेक्स भी दो टाइप्स का हो सकता है, यानी आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। कभी कभार थ्री टाइप्स का भी देखने को मिलता है अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग टाइप्स के होता है। तो वहां पर फिर मिडिल कॉर्टेक्स भी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम क्या है, ज्यादातर इसको जनरली कॉर्टेक्स के नाम से ही अपन जानते हैं।
और ये दो टाइप्स का, जितने जितने प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती जाएगी यानी जितना डेवलप प्लांट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कॉर्टेक्स वाला फॉर्म चेंज होता जाता है। ठीक है, यहां तक आपको वापस मैं रिपीट करा देता हूँ। सबसे आउटर लेयर जो मिलती है यानी जो अपन जड़ों की बात कर रहे हैं, मैं आपको जैसे ये प्लांट है और इस प्लांट की अपन जड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं ये कोई प्लांट है और इसकी रूट की बात करें तो मैंने इस रूट से यहां से इसको जूम करके मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो जो जड़े हैं इन जड़ों को मैंने जूम करके डायग्राम आपके सामने बनाया है। तो सबसे आउटर लेयर जो मिलेगी अपने को, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, एपिब्लेमा मिलेगी। एपिब्लेमा के ऊपर क्या मिलेंगे वे अपने को, रूट हेयर मिलेंगे और रूट हेयर सबसे बाहर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा पर रूट हेयर और उसके बाद में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी टू टाइप्स या थ्री टाइप्स का होता है अलग अलग प्लांट्स में, किसी में आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स होता है, किसी में आउटर कॉर्टेक्स मिडिल कॉर्टेक्स एंड देन इनर कॉर्टेक्स। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर एक आता है यहां पर एंडोडर्मिस आती है, ये अलग से लेयर होती है एंडोडर्मिस, और ये क्या होती है, ये बहुत ही पास पास इसकी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी इनकी जो सेल्स होती है वो बिल्कुल ही पास पास उपस्थित होती है। और जब कोशिकाएं, आप जानते हो जब सेल्स एक दूसरे के पास उपस्थित होगी तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलती है गोल, ठीक है, इसी को कहा जाता है कि एंडोडर्मिस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, ये एंडोडर्मिस है ठीक है, ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है। और एंडोडर्मिस ये क्या होती है, एक कोशिका, ये एक कोशिकाओं से निर्मित एंडोडर्मिस है, ये एक कोशिकाओं से निर्मित होती है यानी एक लेयर होती है, इसकी जो कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होती है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, इनमें क्या होता है एब्सेंट होता है, जबकि कोर्टेक्स वाले पार्ट में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोशिकाएं एक दूसरे से दूर दूर व्यवस्थित होती है और कहीं ना कहीं इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस यानी अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाने के कारण यहाँ पर बीच बीच में चैम्बर भी बन जाते हैं, एयर चैम्बर बन जाते हैं या फूड चैम्बर बन जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन एंडोडर्मिस वाली सेल्स के अंदर चैम्बर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की बिल्कुल ही क्या होती है, पास पास अरेंजमेंट होता है और एक दूसरे के साथ ये सटी हुई अवस्था में पाती थी। तो इस लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यानी इसको अंतर्चर्म भी कहा जाता है, अंतर्चर्म। ठीक है, तो एंडोडर्मिस, अब ये जो एंडोडर्मिस वाली जो लेयर है, इसी लेयर के अंदर अपने वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। इसी एंडोडर्मिस के अंदर अपने वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है, जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर को कहा जाता है क्या, पेरिसाइकल। इस लेयर को कहा जाता है पेरिसाइकल, इसको हिंदी में परिरंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने मैं बना रहा हूं इसको, क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी, या फिर इनका क्रम पूछ लिया जाता है, बाहर से अंदर की ओर क्रम पूछ लिया जाता है या कभी कभार अंदर से बाहर की ओर क्रम पूछ लिया जाता है,
तो आपको इसका क्रम पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पाई जाती है, और सभी का फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस इनका क्या क्या है। तो इसको कहा जाता है पेरिसाइकल। ठीक है, तो पेरिसाइकल इसको हिंदी में परिरंभ कहते हैं, परिरंभ। अब यहां पर आउटर लेयर एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाद में यहां पर क्या आ जाता है, आपके जाइलम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जाइलम यहां पर मैंने गए चौकोर जाइलम की भी स्ट्रक्चर सभी पादपों में, सभी प्लांट्स में अलग अलग पाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का पादप है, किस टाइप का प्लांट, ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर हैं, तो वह सारी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सभी में एक जैसा नहीं पाया जाता था, लेकिन लेयर एक जैसी मिलेगी आपको, सारी की सारी लेयर एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। बहुत सारी यहां पर सेल्स पाई जाती है जिससे फ्लोएम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और बीच में क्या मिलेगा आपको, पित्त। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये है जाइलम, और यहां पर ये वाली जो लेयर है ये है फ्लोएम। ठीक है, और ये बीचों बीच जो है ये है पित्त। ठीक है, तो वापस से एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं अपन सारा का सारा, यानी टीएस ऑफ, ठीक है, टीएस ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट, यानी द्वि बीजपत्रीय पादपों के आंतरिक संरचना की अपन बात कर रहे हैं, यानी इसके टीएस अपन ने काटी है। तो जब जड़ों के अपन टीएस काटते हैं, तो जब जड़ के टीएस अपन काटते हैं तो सबसे बाहरी जो परत आती है वो बाह्य चर्म आती है, जिसे एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है। और एपिब्लेमा के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं क्या, रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर का फंक्शंस क्या होता है, रूट हेयर का फंक्शंस ये होता है कि ये क्या करते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में जो उपस्थित जो वाटर है, जो पानी है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अपन ये जानते हैं कि हर ये पूरी की पूरी जो जड़ होती है, ये जो जो आपकी जो रूट्स है, कभी भी पूरी जो रूट्स है उसका पूरा पार्ट्स कभी भी वाटर एब्जॉर्बेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी पूरी की पूरी जड़ कभी भी पानी का अवशोषण नहीं करती है। तो सिर्फ पानी का अवशोषण कौन करते हैं, मूल रोम करते हैं भाई, मूल रोम ही ओनली पानी का अवशोषण करते हैं, बाकी अदरवाइज पूरी कभी भी जड़ें पानी का अवशोषण नहीं करती। तो सबसे बड़ा जो रोल है वो मूल रोमों का है। तभी तो आपने देखा होगा जब आप क्या करते हैं बरसात के समय या दूसरे अदर टाइम पर, क्या है कि कहीं पर जाते हो किसी खेत में से कोई अच्छा सा आपको आम का पौधा दिखाई दिया या कोई फ्लावर प्लांट दिखाई दिया, तो आपको उस गार्डन में से उस फ्लावर प्लांट को या खेत में से उस फ्लावर प्लांट को उखाड़ कर घर पर लेकर आते हो। और जब घर पर लेकर आते हो तो फिर वो घर पर लाकर जब आप सोचते हो कि हाँ मैं इसमें मेरे पॉट में, मेरे घर पे लाके मेरे पॉट में लगाऊं मैं, तो वह नहीं चल पाता, नहीं उग पाता। क्यों नहीं उग पाता, ऐसा क्या हो गया, घर जाते ही उसका मुरझा गया वो, और कितने आपने पानी भी दिया, कितना उसको खाद भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो प्लांट क्यों नहीं चला। वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसकी जो रूट हेयर है, यानी जो मूल रोम है, वह डैमेज हो जाते हैं। जब आप प्लांट को उखाड़ते हो तो उखाड़ने के बाद में क्या हो जाते हैं, उसके जो रूट हेयर है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहां से रूट हेयर क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के कारण क्या हो जाता है, इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता नष्ट हो जाती है।
वाटर एब्जॉर्बेशन की क्षमता नष्ट हो जाती है। वाटर एब्जॉर्बेशन की क्षमता नष्ट होने के कारण ये पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और पानी की कमी की वजह से किसी भी प्लांट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी प्लांट को किसी भी जगह से अगर उखाड़ कर अपने घर पर ला कर लगाते हैं तो आप ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि वहां की आसपास की जो मिट्टी है वह मिट्टी सहित आप उस प्लांट को उखाड़ें ताकि वह जो रूट हेयर है वह डैमेज ना हो। अगर ये रूट हेयर अगर मूल रूम आपके डैमेज हो गए तो फिर वह प्लांट आपके पौधों में नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पानी को सिर्फ जड़ें, पूरी जड़ें कभी भी पानी को अवशोषित नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं करती। ओनली रूट हेयर ही पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगर ये डैमेज हो गए तो आपका प्लांट नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज रूट हेयर की यही है कि पानी एब्जॉर्बेशन में पार्टिसिपेट रूट हेयर करते हैं। और इसके बाद में सेकंड लेयर आती है कोर्टेक्स वाली। कोर्टेक्स लेयर का मैक्सिमम फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती है, जो प्लांट की जो रूट है इसकी स्ट्रक्चर को मैनेज करती है, कहीं ना कहीं इसको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कराती है कि हाँ ये क्या करती है, बाहरी जो आघात है, जो बाहरी जो लगातार प्रेशर, जो मिट्टी का प्रेशर लगातार रूट के ऊपर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बचाने का भी काम करती है। यानी ये आंतरिक जो जाइलम फ्लोएम है उनको रप्चर होने से बचाती है, कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन का ये काम करती है। साथ में इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, यानी अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें उपस्थित होते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, एयर चैम्बर मिलते हैं और इन एयर चैम्बरों में कभी कभार वायु भरी होती है, यानी लगातार ये गैसों का आदान प्रदान करने का भी काम करते हैं और साथ में कभी कभार क्या करते हैं, ये भोजन का संग्रहण कर कर फूल कर मोटे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रूपांतरण यानी जड़ों के रूपांतरण पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, तो वहां पर अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार से कॉर्टेक्स क्या करता है, भोजन को एब्जॉर्ब करता है और किस प्रकार से फूल कर वह मोटे हो जाते हैं। तो वह सारा अपन वहां आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद में आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या करता है, जाइलम फ्लोएम की क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप जानते हो कि जाइलम फ्लोएम क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का दबाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। जाइलम फ्लोएम के जस्ट यहाँ पर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकल पाई जाती है, परिरंभ पाया जाता है और परिरंभ के बाद में वही जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का फंक्शन आप सभी को पता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है, ये लगातार क्या करता है, पानी को, ये लगातार पानी को जड़ों से लेकर ये कहाँ ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है, यानी पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर पत्तियों तक ले जाने का काम करता है, यानी कहीं ना कहीं वाटर ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है। उसके बाद में जो फ्लोएम है ये फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी पत्तियों में बनने वाला जो भोजन है उसको वापस जड़ों तक ले जाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो मैकेनिज्म है ये दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट एंटी पैरेलल है। जाइलम अगर जड़ों से, यानी ये जड़ है ये स्टेम सॉरी पत्तियां हैं, तो जाइलम का काम क्या है, जड़ों से पत्तियों की ओर, यानी नीचे से ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट काम करता है। जाइलम का जो फोर्स है वो जस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन फ्लोएम जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी सारा का सारा पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको लेकर कहाँ आएगा, वो जड़ों के पास आएगा, यानी रूट्स के पास आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो जाइलम है ये पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम है ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल का ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारा जो पूरा का पूरा आपको मैंने दिखाया ये डाइकोटिलेडन प्लांट रूट है, ठीक है। तो इसकी टीएस है, यहाँ से कभी कभार कॉम्पिटिशन एग्जामों में क्या पूछ लिया जाता है, इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा परिधि से केंद्र की ओर कौन कौन सी लेयर पाए जाते हैं, या केंद्र से परिधि की ओर कौन सी लेयर पाई जाती है। तो वह सारी चीजें आपको यहाँ को देखने को मिलेगी, यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को एक बार अच्छे से याद रख लें कि कौन कौन से, अगर आपको डायग्राम अच्छा लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं।